हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अभी इस पर्टिकुलर काउंटर के आपने देखा था कुछ समय पहले ही रिजल्ट निकल कर आए थे। रिजल्ट में हमने देखा था कि रिजल्ट जो ठीक ठाक भी आए थे, ऐसा कहीं कोई खास समस्या भी देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन आज एक नई रिपोर्ट जो है कंपनी की सामने आई है, एंड ये रिपोर्ट भी आप जो है बीएसई पर ही सबमिट होते हुए देख रहे हैं। ये रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले आप ये समझो, एक हाफ ईयरली रिपोर्ट कंपनी ने सबमिट करी है बीएसई में। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस रिपोर्ट में जिस तरीके की चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो आपको जाननी चाहिए कि क्या देखने को मिल रही, किस तरीके की परफॉर्मेंस जो है कंपनी की देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले भी हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर पर, एंड आप यहाँ पर देखिए 134.03 रुपये पर ये काउंटर जो है आज क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करें तो क्लियरली आपके सामने विजिबल है कि फ्लैट क्लोजिंग इसकी हुई है। यहाँ पर कोई भी तेजी या मंदी जैसा माहौल इसमें आज आपको देखने को नहीं मिला, पूरी तरीके से फ्लैट रहा। हालांकि अगर आप देखें तो ऊपरी स्तर से इसमें गिरावट जरूर हुई है कि शुरुआत में इसमें थोड़ी सी तेजी थी, लेकिन वहाँ से वन सेकेंड में आपको दिखाता हूँ ठीक ठाक नीचे आया है। लगभग लगभग कितना, लगभग 1% शेयर जो है अपने ऊपरी स्तर से आप कह सकते हो कि 1% के आसपास नीचे आता हुआ देखने को मिला है। तो ये सिचुएशन आपको नज़र आई है, लेकिन बात ये है कि मान लेते चलो 1% नीचे आया भी है, तेजी नहीं भी हो पाई। कल तो इसमें थोड़ी सी तेजी थी, मार्केट जिस तरीके से आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ देखने को मिला, उसके बाद ये काउंटर भी थोड़ा सा आपको संभलता हुआ देखने को मिला था। लेकिन अब जो स्थिति है वो थोड़ी सी बदलती हुई देखने को मिली। आज फिर से मार्केट डाउन था, मैं पूरे मार्केट की बात कर रहा हूँ। आज जो है फिर से आप मार्केट जो है डाउन ही देखने को मिल रहा था, लेकिन ये काउंटर भी थोड़ा सा आपको नीचे ही देखने को मिला। ठीक है, लेकिन आगे क्या हो सकता है ये एक बड़ी बात है। अभी हम यहाँ पर कोई टारगेट वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे, कोई मतलब आगे क्या होगा वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है आखिरकार कि इनकी जो हाफ ईयरली रिपोर्ट निकल कर आई है वो क्या कह रही है, वो किस तरीके की है। तो मैं उसे ही दिखाता हूँ। ये देखो आपके सामने मैंने रख दी है बजाज फिनसर्व की रिपोर्ट है, मतलब इनकी जो पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व ही है। तो जब ये कोई रिपोर्ट वगैरह देते हैं तो बजाज फिनसर्व भी लिख कर आता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो इन्होंने कंपनी की जो सितंबर 30 को जो क्वार्टर खत्म हुआ है उसके साथ में जो हाफ ईयरली खत्म हुई है बेसिकली, उसका हाफ ईयरली का इन्होंने रिपोर्ट अभी यहाँ पर पब्लिश कर दिया। होता क्या, वैसे तो क्वार्टरली बेसिस पर ही रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है, लेकिन यहाँ पर हाफ ईयरली भी रिपोर्ट लोग पब्लिश तो करते ही हैं। तो यह अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट में क्या है, तो मैं आपको वही दिखाने की कोशिश जो है करता हूँ। ठीक है, देखते हैं कि आगे की स्थिति क्या हो सकती है उसमें। तो ये देखो, ये है कंपनी की रिपोर्ट, एंड जो मेन हाइलाइटेड पॉइंट है वो आप देखो। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हाईलाइट ऑफ हाफ ईयरली वन फाइनेंशियल ईयर 25 वर्सेस हाफ ईयरली वन फाइनेंशियल ईयर 24 एक्चुअली। पिछले फर्स्ट को जो हाफ ईयरली थी उससे और अब में क्या फ़र्क है वो इम्पोर्टेंट बात है, एंड वही मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो लिखा है एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब AUM वो कंपनी का लगभग लगभग 26% ग्रो हुआ है। ठीक है, पोर्टफोलियो कंपोजिशन अगर हम देखें तो उसमें भी आपको जो है लगभग चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखा रखा है। लेकिन अब बात आता है नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि लगभग लगभग 11% से बड़ी है। अब बस परसेंटेज वाइज ही देखते जाओ, 11% NII बड़ी है। फिर अगर हम देखें आगे की स्थिति, जो NPA है वो कितना है, वो 0.29% दिखाई दे रहा है एंड 0.12% देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये पहले NPA थोड़ा सा कम हुआ करता था, अभी अगर आप देखोगे NPA थोड़ा सा बढ़ा है, 24 में बढ़ा है 23 के कंपेरिजन में। और अगर हम आगे बढ़े नेट प्रॉफिट देखते हैं स्पेशली, मैं पैट देखा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो लगभग लगभग 13% बढ़ा है। तो ये भी अगर आप देखोगे तो अच्छी बात देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कुछ भी सही, लेकिन बड़ा तो है, क्वार्टरली ग्रोथ ज़्यादा थी बेसिकली। अगर आपने देखी थी होती तो क्वार्टरली ग्रोथ जो है वो ज़्यादा थी, एंड हाफ ईयरली ग्रोथ थोड़ी सी कम है, लेकिन है। इम्पोर्टेंट बात ये है
कि यहाँ पर प्रॉफिट है, ये एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे अगर आप देखो एनुअलाइज रिटर्न देखो 2.4% तक बढ़े हुए हैं। तो ओवरऑल अगर इस रिपोर्ट को आप देखो तो इस रिपोर्ट में चाहे आप इस तरीके से देख लो, अच्छी खासी आपको जो है ग्रोथ देखने को मिली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों क्वार्टरली जब रिजल्ट आए थे एंड क्वार्टरली रिजल्ट भी देखा जाए तो अच्छे ही देखने को मिले थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट का हुआ क्या बेसिकली कि उसके बाद शेयर में कोई बहुत अच्छी तेजी तो आपको देखने को मिली नहीं। अगर आपने देखा तो कोई बहुत खास तेजी जो है आपको देखने को नहीं मिली, लेकिन अब जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। हालांकि ये रिपोर्ट भी अगर आप देखोगे कल आई थी, ये भी कोई आज रिपोर्ट नहीं आई है, कल शाम को ये रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी और इस रिपोर्ट का भी कोई आज संकेत देखने को नहीं मिला। शुरुआत में थोड़ी सी तेजी थी भी, लेकिन बाद में कंपनी के जो हालचाल है थोड़े से नॉर्मल ही होते हुए देखने को मिले थे। लेकिन अब बात आ जाती है ब्रोकरेज फर्म पर। अगर आप अलग अलग ब्रोकरेज फर्म की राय इस पर देखोगे तो मिली जुली सी राय आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसमें कुछ ब्रोकरेज फर्म है जैसे अमित एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने तो यहाँ पर 85 रुपये के टारगेट ही दे रखे हैं, तो उनके हिसाब से तो यहाँ पर गिरावट होनी चाहिए। ये भी आपको वैसे एक चीज़ का पता रहना चाहिए कि सिर्फ ब्रोकरेज फर्म के टारगेट से दुनिया नहीं चलती है, शेयर सिर्फ और सिर्फ टारगेट से नहीं चलते। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इन टारगेट्स पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ब्रोकरेज फर्म वगैरह टारगेट दे रहे हैं तो उस पर ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके टारगेट वगैरह हमेशा सच्ची होंगे, हमेशा पूरे ही होंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं, उन्हीं पर रिलाय नहीं हो जाना चाहिए। ठीक, आगे अगर हम बढ़ें तो इस पर HSBC ने भी अपने टारगेट दे रखे हैं 110 रुपये के, तो उनके भी टारगेट जो है नीचे के। लेकिन कुछ ब्रोकरेज फर्म मैंने आपको एक कल बताया था, उन्होंने भी 165 के आसपास के टारगेट दिए थे, साथ में 210 के टारगेट भी निकल कर आ चुके हैं फिलिप कैपिटल की तरफ से, तो कुछ टारगेट इस पर ऊपर के भी हैं। तो टारगेट की अगर बात करी जाए कुछ ब्रोकरेज फर्म की तरफ से तो वो तो आपको अलग अलग देखने को मिले हैं, वो अलग बात है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि शेयर में आगे की स्थिति को लेकर अभी पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। वैल्यूएशन की यहाँ पर बात करी जाती है, लेकिन वैल्यूएशन धीरे धीरे करके नॉर्मल भी हुए हैं, क्योंकि अगर देखा है आपने कि गिरावट इसमें ठीक ठाक हुई है, और गिरावट अगर ठीक ठाक देखने को मिली है तो क्लियरली कह सकते हो कि वैल्यूएशन भी थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई है। अब वैल्यूएशन के चक्कर में तो गिरावट यहाँ तक होगी नहीं, कंपनी की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, ये भी ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होते से लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।